चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे हैं और जिला कांग्रेस कार्यालय में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी और दावा किया कि जनता ने बदलाव का माहौल दिख रहा है। इस चुनाव में 1998 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह को हराने जैसे माहौल नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो पिछले 10 साल से इस क्षेत्र से सांसद है लेकिन उनके खाते में एक भी उपलब्धि नहीं है, केवल लच्छेदार भाषण देकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र के किसान और आम लोगों की पीड़ा बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार फसलों पर समर्थन मूल्य की घोषणा जब तक करती है तब तक किसान अपनी जिन बाजारों में बेच देता है और औने पौने दामों में फसल बेचने को मजबूर किसान की सुध आज तक भाजपा प्रत्याशी ने नहीं ली है। 10 वर्ष पूर्व डॉक्टर गिरिजा व्यास यहां सांसद थी तब उन्होंने अफीम किसानों को राहत देते हुए अफीम के मूल्य बढ़ाए थे लेकिन इतने वर्षों बाद भी अफीम की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने सीपीएस पद्धति को लेकर किसानों में हाहाकार मचा है परंतु जोशी को कोई लेना देना नहीं है। जिस फसल के दाम तय नहीं है उसकी बुआई किसान से सरकार करवा रही है, वहीं हंकाई के नाम पर 10 से 15 हजार रुपए तक की वसूली की जा रही है लेकिन सांसद मौन है। एनजीपीएस की धारा 8 और 29 को पुलिस को नार्कोटिक्स ब्यौरा की खुली लूट का हथियार बताते हुए चित्तौड़गढ़ के पूर्व सांसद ने कहा कि दोनों के अधिकार 5 साल पुराने मामलों में वसूलियों की जा रही है। हालात ये है कि जैसी औकात उसी के अनुरूप मोटी रकम की वसूली की जाती है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर इस धारा को खत्म कर किसानों को राहत दी जाएगी। पूर्व सहकारिता मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल पहले जब सत्ता में आए थे उसी समय ही गारंटी को क्या हुआ। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसने की कर्ज माफी की घोषणा, वही हमने सत्ता संभालने के साथ ही पूरी और तमाम तरह के सहकारिता के लोन माफ किए हैं। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, महामंत्री महेंद्र शर्मा, करण सिंह सांगला, सभापति संदीप शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता एहसान पठान, गोविंद शर्मा आदि। बाकी जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो मैं मोदी जी की गारंटी की तारीफ करता हूँ लेकिन मैंने उन गारंटी की मांग करता हूँ जो गारंटी उन्होंने 2014 में भारतवर्ष की जनता से दी थी। उस गारंटी को अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? उस गारंटी को पूरा कर दे तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि हाँ मोदी जी अपनी गारंटी सही तरीके से देते हैं। बाकी तो चुनाव के मुद्दे उनके पास है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो राष्ट्रीय बात हुई और बाकी स्थानीय मुद्दों पर मैं सीपी जोशी साहब सांसद साहब के सामने चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने 10 साल तक चित्तौड़ जिले के लिए कुछ भी नहीं किया और विशेषकर अफीम काश्तकार बहुत ज़्यादा दुखी रहे। अफीम काश्तकार के अलावा दूसरे किसानों की भी कोई सूद नहीं ली। मैं सहकारिता मंत्री था जब तो मैंने प्रयास कर करके समय पर समर्थन मूल्य पर खरीद भी करवाई लेकिन आज अब आया कि 1 मार्च या 1 अप्रैल से कभी वो खरीद शुरू होगी तो किसानों के हित के लिए मुद्दे लेकर के मैं मैदान में उतरा हूँ। मेरे तो पगड़ी की लाज किसानों को रखनी है और उन्हीं का आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसीलिए मुझे जैसा समर्थन 1998 में जसवंत सिंह के सामने मिला था उससे भी जबरदस्त सहयोग मिलने की उम्मीद लग रही है जैसे किसानों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। नार्कोटिक्स की धारा के बारे में क्या कहें? नार्कोटिक्स की धारा 29 8/29 इतनी खतरनाक है जो हनुमान जी की पूछ बनाकर किसानों का दोहन कर रहा है और इसी से किसान बेचारे इतने अफीम खेती से परेशान हो गए कि इससे तो हम अफीम की खेती करना ही छोड़ दें। मतलब 5-5 साल पहले कभी माल दिया नहीं दिया तो इतने माल दिया था यूँ करके उनसे वसूली हो रही है 1 से 5 लाख 6 लाख 7 लाख जैसा मकान देख लेते हैं पक्का मकान है अच्छा मकान है तो उस हिसाब से पुलिस की रेड हो जाती है नार्कोटिक्स वालों की रेड हो जाती है। इसलिए इस धारा 29 के मुद्दे पर भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि अफीम की खेती अगर चित्तौड़ जिले में होगी तो धारा 29 को हटाना होगा जब यहाँ के किसान आराम में रहेंगे। इसमें कोई दो राय युवाओं के स्थानीय मुद्दा है रोजगार नहीं मिलता इतनी फैक्ट्रियाँ होने के केवल स्थानीय मुद्दा नहीं है पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है क्योंकि पूरा बेकारी पूरे हिंदुस्तान में है और युवाओं के लिए हमारे राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा पत्र की पूरी तैयारी कर ली है आजकल में घोषणा पत्र भी आ जाएगा और राहुल गांधी जी जो घोषणा करते हैं वो पूरी कराते हैं क्योंकि 2018 में भी राजस्थान के किसानों से वादा किया था कि मैं आपका ऋण माफ कराऊंगा तो पहला आदेश ही सरकार का ऋण माफी का उनका हुआ था और सहकारी बैंकों का समस्त ऋण माफ हो गया एक भी जगह से कोई शिकायत नहीं आई ये हमारी उपलब्धि है। आपने चेहरे की बात की थी उठानों में चेहरे बड़े थे या आज चेहरे बड़े? मुझे तो उठानों के चेहरे ज्यादा बड़े लगते थे।